हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही काम का वीडियो तो यहाँ पर बॉडी से नाप लेना बताएंगे आर्म हॉल्स कुर्ती और ब्लाउज का तो सबसे पहले हम आर्म हॉल्स का नाप लेना बताएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इन स्टेप को इस तरीके से लगाएंगे इस जगह पर ठीक है और ऐसे पकड़ेंगे इसको और यहाँ पर देख लेंगे कम से कम एक इंच लूज होना चाहिए इस तरीके से ठीक है ये हमारे आर्म होल्स का जो नाप है यहाँ पर एक इंच लूज होना चाहिए एक से सवा इंच हो लेकिन कम ना करें नहीं तो टाइट हो जाते हैं आर्म ठीक है इस तरीके से इन स्टेप को घुमा के देख लेंगे अब यहां से हमें ढाई इंच नीचे लेना है ठीक है इस जगह का नाप तो ये जो हम बाजू कट करते हैं यहां पर ढाई इंच का कर्व डालते हैं वो नाप है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर ये यह ऊपर से हमने ढाई इंच नीचे लिया है और इस तरीके से ही लूज देख लें एक इंच की लूजिंग रखें जब कोई भी नाप लें तो एक इंच की लूजिंग रखें ये ढाई नीचे है जब हम कपड़े पर कर्व देते हैं तो ढाई इंच का देते हैं तो इसी नाप से देते हैं देखिए ठीक है ये यहाँ पर ढाई इंच पर ही बैठता है आप जहां पर भी नाप लें इसी तरीके से लूजिंग लें और यहाँ पर बाजू की लंबाई आप पाँच छ सात या दस चौदह जितना भी आप रखना चाहें इस तरीके से लंबाई नाप लें ठीक है अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम नॉर्मली दस पर रखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ही हमें यहाँ पर भी नाप लेना है तो हर जगह पर हमने आपको बताया है, थोड़ी सी इस तरीके से लूजिंग रखनी है बिल्कुल टाइट नहीं करना है इस चीज का ध्यान रहे तो ये जो बाजू की कटिंग होती है ब्लाउज में भी सेम होती है कुर्ती में भी तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी आपको इन स्टेप को, को रख के नाप लें कि हमें यहाँ तक बाजू रखनी है और जितना लूज आप पहनना चाहें उस तरीके से नाप लें तो यहाँ पर जैसे कि चौदह इंच पर नॉर्मली बाजू आजकल चल रही है तो यहाँ पर इसी तरीके से नाप लें तो यहाँ पर ज़्यादा लूज नहीं रखें ठीक है यहाँ पर सिर्फ हाफ़ इंच लूज रखें यहाँ पर ज़्यादा लूज अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच का लूज रखेंगे ज़्यादा नहीं रखेंगे ठीक है और आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको ज़्यादा लूज पहनना पसंद है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर पहुँचे पर भी नाप लें तो यहाँ पर देखिए हमने बाजू का नाप लेना ना बता दिया है आप कुर्ती की लंबाई का नाप बताएंगे तो यहाँ पर आप जितनी भी लंबी कुर्ती पहनना चाहें उस तरीके से यहाँ पर ऐसे नाप लें ठीक है नीचे तक जितना भी आपको कम रखना है या ज़्यादा इसी तरीके से लंबाई नापी जाती है ठीक है अब यहाँ से इसका तीरा नापेंगे तो तीरा को देखिए यहाँ से और इधर की साइड यहाँ से मिलाना है ठीक है जो भी आपका तीरा निकल के आ रहा है चौदह पंद्रह वो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक नापें और सारे नाप को पेपर पे लिखते रहें ताकि भूलें ना तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो कुर्ती की चौड़ाई है वो बत्तीस आ रही है ब्लाउज की हल्की सी टाइट लेनी होती है इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर जो कुर्ती की थोड़ी सी ढीली रखनी होती है ठीक है यहाँ से हमने यहाँ पर नापा यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है तो कमर हमारी आ रही है यहाँ पर अट्ठाईस ठीक है हल्के से लूज ले रखना है अगर हम कुर्ती बना रहे हैं ब्लाउज का थोड़ा सा टाइट लेते हैं तो ब्लाउज का नाप भी हम अभी बता देंगे और यहाँ से हमें हिप का नाप लेना होता है इस तरीके से ठीक है तो इस जगह पर जहाँ से हम स्लिट खुली रखेंगे वहाँ से हमें हिप का नाप लेना है तो थोड़ा सा लूज ही रखें हिप को थोड़ा सा लूज ही रखें ऊपर के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूज रखें तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज का नाप लेंगे तो तीरा इसी तरीके से सेम रखेंगे जैसे हमने कुर्ती में बताया है यहाँ से तीरा नाप लेंगे ठीक है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ब्लाउज के लिए एक नाप यहाँ से भी लेना होता है हमको ठीक है बिल्कुल आर्म हॉल्स के नीचे यहाँ पर जो भी आपका आ रहा है उतना लिख के रखें ठीक है यहाँ पर इकतीस आ रहा है हमारा और यहाँ पर भी हमारा इकतीस है ठीक है और कमर का भी नाप इसी तरीके से लेंगे तो ज़्यादा बिल्कुल टाइट खींच के नहीं लेना है किसी भी नाप को देखिए इस तरीके से ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है बिल्कुल नॉर्मल रखना है ठीक है इस तरीके से ना खींचें बिल्कुल नॉर्मल रख के और यहाँ पर ऐसे देख लें ठीक है और इसी तरीके से हमें कमर का नाप लेना है पेटी को बिल्कुल टाइट नहीं खींचना है हल्का सा इस तरीके से रखें ठीक है यहाँ पर इस तरीके से एक इंच का गैप होना चाहिए और पीछे की तरफ से हमें ब्लाउज की जो लंबाई होती है यहाँ से रखें इस टेप को और इस तरीके से नापनी है आपको जितना भी नीचे बनाना है नॉर्मली तेरह से चौदह इंच का ब्लाउज होता है तो यहाँ पर हमें तेरह इंच का नाप आ रहा है और इस तरीके से यहाँ पर गले का नाप लेना है ठीक है आप नौ दस या आठ सात जितना भी बनाना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इसी तरीके से फ्रंट नेक लेना होता है यहाँ से लेके कर यहाँ तक ठीक है ये जो बीच की गर्दन की जो ये सेप होती है यहाँ से इस तरीके से तिरछा करके नाप लेना होता है यहाँ से इस तरीके से इन स्टेप को लगाएं और सामने से इस तरीके से ठीक है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बॉडी से किस तरीके से कुर्ती ब्लाउज और बाजू का नाप लिया जाता है और ये सारे नाप आप पेपर पे रखें लिख के ताकि भूलें ना अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दाएँ ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू